कि इच्छा को वंश में शरियाती नाम के एक राजा हुए, वो मनपुत्र भरूपुत्र के साथ शरियाती नाम के एक राजा हुए। उस शरियाती नाम के राजा को नौ पुत्र पुत्री थी, उसमें एक पुत्री का नाम था सुकन्या। वो सुकन्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी और दिन ब दिन बढ़ती गई। और वो ये सूर्यवंश ही एक श्रेष्ठ वंशकार है जिसमें रामचंद्र जी का हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ, ये सब लोग जानते हैं। तो सुकन्या इतनी सुंदर थी कि वह अपने पिता के मन के तरह बहुत घुमा करती थी। तो वो एक दिन घूमते घूमते यहाँ चंपारण नाम का अरण्य था उस जमाने में, वहाँ एक सांप के बिल के पास वो गई और खेलते खेलते वो सांप के बिल के पास असर अरण्य में गई। देखते देखते उसने क्या क्या देखा कि बिल के पास से बिल में से दो कुछ मणियाँ चमक रही है। उसे लगा कि ये मणियाँ अंदर क्या चमक रही है। उसने अपने एक काड़ी को लेकर, एक लकड़ी की छोटी सी लंगड़ी लेकर उन मणियों को चुभोया। ऐसा चुभोते ही जोर से अंदर से आवाज़ आई, वो डर गई और भाग गई। भाग जाने के बाद देखते क्या है कि क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन दूसरे ही दिन शरिया की महाराजा के पूरी इसमें पूर्ण ऐसा उपद्रव होने लगा, अशांति हो गई, लोग अपने अपने मारपीट करने लगे। राजा के पास एकदम धन कला सब चले गए, युद्ध के लिए दूसरे आने लगे। तो शरिया की महाराज ने कहा कि यह क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब उसके जो शिकार जो उसने था कि किसी एक महान ऋषि ने तुम पर तुम्हें श्राप दे दिया है, उसको कष्ट तुमने पहुँचा है। बोले क्या हुआ। वो बहुत ढूंढते गए तो उन्होंने कहा कि एक जंगल में जाकर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे जिस उनके ऊपर सांप का बिल बन गया था, ऐसे ऋषि के आंखों को किसी ने चुभा देकर उनकी आंखें चली गई। सभी सैनिकों मंत्रियों ने सभी कहा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। बाद में जब उन्हें पता चला तो सुकन्या उनकी कन्या ही वहाँ गई थी। तो कन्या को पूछा गया क्या बेटी तू वहाँ गई थी। बोले पिताजी कोई मणियों की तरह चमक रहा था बिल में, तो मैंने काड़ी से तो उसको टोचा, तो वो उस मुनि की आंखें थी जो बहुत तेज आयमान थी और उन आंखों को टोच न करने से उनकी आंखें दोनों चल गई, रक्त बहा और उस दोनों ने श्राप दे दिया। शरियाती महाराज आए उस बिल के पास और एकदम पूर्ण उपस्थिति के साथ उन्होंने उस महामणि का नमस्कार किया। तो महामणि का नाम था च्यवन महामणि, च्यवन महर्षि। उन्होंने नमस्कार किया कि प्रभु मेरे बेटी से गलती हो गई, उसने तुम्हारी आंखों को जिस काड़ी से डुबोया और जो तुम्हारी आंखें दो भी चली गई, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इतना उपद्रव हो रहा है तो मुझे क्षमा करो। वो वृद्ध थे, पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे, दोनों आंखें चली गई थी, वहाँ तपस्या के कारण शरीर पूरा सूख गया था। और तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो भी कहेंगे, शरिया के राजा ने कहा आप जो भी कहेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार, आप कहो आप क्या कहना चाहते हैं। तो च्यवन महर्षि ने कहा बात देकर हटेगा तो नहीं। तो ने कहा नहीं आप जो भी पूछो मैं दे दूंगा, लेकिन जो राज्य में उपद्रव चल रहा है उसकी शांति करो। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे को माँ बाप कोई मेरे सहायक सहायता करने वाले नहीं है और मेरी सेवा करनी, दो आंखें चली गई है तो मेरी सेवा कौन करेगा। मैं चाहता हूँ कि तेरी पुत्री सुकन्या को मुझसे विवाह कर दे, मैं उसको लेकर जंगल में करूँगा, वो मेरी सेवा करेगी। शरिया की महाराजा के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई, मेरी इतनी सुंदर बेटी उसको अगर इस च्यवन महर्षि को दे दूँ, अंधा बूढ़ा जिसके साथ बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरी इतनी सुंदर कन्या उसका क्या सुख होगा। वो बहुत विचार में पड़ गए, हाँ या ना कहते हुए वहाँ से चले गए। च्यवन महर्षि वैसा ही देखते गए कि इसने मेरे वचन दिया और ये चला गया। लेकिन जब घर को आए और उपद्रव देखा तो राजा अपने सब मंत्रियों से वगैरह विचारना करने लगे कि हम क्या करना चाहिए, उन्होंने तो बेटी सुकन्या को मांगा है और मेरी इतनी सुंदर सुकन्या मैं उनको तर्पण नहीं कर सकता, इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो ये बात जब सुकन्या तक पहुंची तो सुकन्या आई कि गलती मैंने की है पिताजी, मैं उनकी भारिया बनने के लिए तैयार हूँ, मेरा विवाह उनके साथ कर दो। ऐसा उन्होंने कहा, पिता बहुत समझाए नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा है। उन्होंने कहा एक तो राज्य में उपद्रव हुआ उसकी शांति होनी चाहिए, दूसरा गलती मैंने की है उसको मैं अनुभव करना चाहिए, मैं उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा विवाह उनसे करवा दीजिए। बहुत समझाने पर भी नहीं मानी और कहा कि चलो आप करो, नहीं तो भाई जाके उनके साथ शादी कर लूँगी। राजा को मजबूर होकर उनके पास आना पड़ा और उन्होंने उस च्यवन महर्षि के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह कर लेते ही सुकन्या ने अपने ऊपर के सारे गहने उतार कर राजा को दे दिए और वलकल वस्त्र पहने और कहा कि एक झोपड़ी में हम यहाँ मैं मेरे पति के साथ रहूँगी। वो पति की सेवा करते हुए अपने अंधे पति को सेवा करने लगी, इतनी सेवा की उस सेवा शुश्रूषा से
जवन महर्षि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दिन तक उनकी ये सेवा चलती रही। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये फूल चुनने के लिए जंगल में गई और पानी लाने के लिए, उनके नहाने के पानी लाने गई, तो उस समय सूर्य के दो पुत्र अश्विनी कुमार वहाँ से गुजरने लगे। वो लोग वहाँ आए, उन्होंने जैसे ही इस कन्या को देखा कि इतनी सुंदर कन्या है और ये यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही है, वो उनके पीछे पीछे आए और देखा कि एक वृद्ध झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसकी सेवा कर रही है। तो उन दोनों अश्विनी कुमार ने उसको अपने बगल में बुलाया और कहा कि तू इस बूढ़े के साथ क्या बैठी हुई है, देख हम दोनों सूर्य पुत्र है, हम दोनों देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं देवताओं के, हमें से दोनों में से किसी एक को तू चुन ले, विवाह कर ले, तुझे तुझे जो चाहे वो विवाह कर ले, तुम्हें तुझे सुखी रखेंगे, तुझे धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, तुझे जो चाहे उसको प्रदान कर सकते हैं हम, हमारे में वो शक्ति है। सुकन्या कहा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा कि हम देवताओं के चिकित्सक हैं और सूर्य के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम है। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े महान देवताओं के पुत्र हो, ये नहीं जानते कि मैं इस वृद्ध, जो भी मेरा पति कैसा भी हो, अंधा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, उस पति की सेवा कर रही हूँ और उसकी सेवा में मैं तत्पर हूँ, और आपको ऐसा मानना, ऐसा पूछना शोभा देता है क्या, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्ती जब करने गए तो उन्होंने कहा कि आप अगला अगर एक कदम भी डाले, अगर मैं पतिव्रता पति हूँ तो मैं तुम्हें श्राप दे बोलूँगी कल तुम यहाँ से, उस श्राप के नाम से डर गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक काम करते हैं, तुम जाकर तुम्हारे पति से पूछो कि हम हमारी देवताओं की चिकित्सा पद्धति से उन्हें ठीक कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें तुम्हारे पति को हमारे तीनों में से एक कुछ ना हो। उन्होंने जाकर एक बात अपने पति को बता दी, ऐसे अश्विनी कुमार नाम के लोग आए, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, ये कि हमारे तीनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। इसका अर्थ मुझे पता नहीं चला। तो चौन महर्षि ने कहा कि तुम उन्हें कह दो तुम्हारी शर्त मान लेती है, तुम पहले चौन महर्षि को ठीक करो। वो अश्विनी कुमार आए और उन्होंने अमृत नाम का कोई संजीवनी नाम का एक द्रव दिया और उस चौन महर्षि को बूढ़े से लेकर एकदम जवान, बहुत सुंदर, दो आंखें आए, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व बना दिया। बना देते ही जैसे ही देखा कि अश्विनी कुमार दोनों के साथ, ये तीसरा अश्विनी कुमार तैयार हुआ, तीनों एक ही तरह थे। अब सुकन्या को था कि इनमें से अपने पति को चुनना था, तीनों एक ही तरह देख रहे थे और उसको चुनना था कि मेरा पति मुझे कैसे प्राप्त हुआ। वो तो असमंजस में पड़ गई। तब उन्होंने खुशपतिनाथ शिवजी को प्रार्थना की, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मेरे पति को मैं चुन लेकर उनके गले में हार डालूँ, मैं आँख मूंद कर आँखें डाल मेरे पति के गले में आँख डालने, माला डालने के लिए जा रही हूँ। और उसने आँखें मूंद ली और माला जैसे ही डाली, वो सच्चे उनके ही पति के गले में पड़े और अश्विनी कुमारों ने क्षमा मांगी और कहा कि तुम सच्ची पतिव्रता हो, तुमने तुम्हारा पति चुन लिया। तब चवन महर्षि भी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा अश्विनी कुमारों को कि अश्विनी कुमार तुमने मुझे जो यवन प्रदान किया है, ये सब सुंदरता दी है, मैं तुम्हारा ऋण मेरे पास नहीं रख लेता, तुम मुझसे इस ऋण चुकाने के लिए तुम जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अश्विनी कुमार ने कहा हम सूर्य के पुत्र हैं, हमें क्या कमी है, किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन उन्हें याद आया कि इंद्र ने इनको यज्ञ में देवताओं को जो सोमपान दिया जाता है, जो सोमरस दिया जाता है, इनको देने का अधिकार से मना कर दिया था। इंद्र ने कहा था कि अश्विनी कुमार तुम चिकित्सक हो, तुम देवता नहीं हो, इसलिए तुम्हें हम सोमपान नहीं देते। और इन दोनों ने कहा कि हे चवन महर्षि, अगर तुम हमें सोमपान दिला देते हो, यज्ञ में भाग बना देते हो, यज्ञ का भाग हमें भी मिले, ऐसा आशीर्वाद अगर तुम देते हो, ऐसा कर सकते हो, तो तुम्हें हमें सोमपान दिलाओ, सोमरस उसने तुम्हें अमृत रस कर, अब हम जो भी करते हैं हवन करते हैं तो उस समय में सोमरस इंद्र भगवान को दिया जाता था और सारे देवताओं को केवल दिया जाता था। उससे इन सूर्यपुत्रों को मनाही कर दी थी और उन्होंने मांगा था कि उस सोमपान को अगर तुम हमें प्रदान करते हैं तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। चवन महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं यज्ञ बनाऊँगा, यज्ञ भी करूँगा और तुम्हें उसमें सोमपान का अधिकारी भी बनाऊँगा। उन्होंने अपने ससुर शरयाती के पास गए और शरयाती ने जब देखा कि किसी अश्विनी कुमारों के साथ मैंने जिस बूढ़े को मैंने मेरी कन्या को दी थी वो तो एकदम राजा सम देवता संपन्न सौंदर्य शक्तिवान वरिष्ठ और अच्छा युवक बन गया है और वह मेरे सामने मेरे दामाद बन गया, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और शरयाती ने कहा प्रभु बोलो क्या क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक महान यज्ञ करना है।